मुख्यालय भोपाल द्वारा चलाए जा रहे मादक पदार्थ के विरुद्ध अभियान के तहत थाना कालापीपर पुलिस द्वारा पुलिस अधीक्षक शाजापुर पंकज श्रीवास्तव, अति पुलिस अधीक्षक आरएस प्रजापति, एसडीओपी शुजालपुर विजय शंकर त्रिवेदी के मार्गदर्शन में मादक पदार्थ गांजा के 3 तस्करों का भारी मात्रा में गांजा का परिवहन करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार करने में सफलता मिली। थाना कालापीपर पुलिस को मुखबिर द्वारा सूचना दी गई कि सीहोर की ओर से एक मारुति स्विफ्ट डिजाइनर कार जिसका नंबर RJ20CB407 है, जिसमें कुछ लोग मादक पदार्थ गांजा लेकर आ रहे हैं। सूचना पर थाना कालापीपर पुलिस द्वारा ग्राम नंदिनी के आगे बड़बेली जोड़ के पास उक्त नंबर की कार को रोककर चेक किया गया, जिसमें 3 व्यक्ति सवार थे। कार की डिक्की को चेक करने पर उसमें एक बोरी में गांजा रखा पाया गया, जो कि उक्त 3 व्यक्तियों द्वारा अवैध रूप से तस्करी करके लाया गया था। तीनों व्यक्तियों से पूछताछ में बताया कि नरेश पिता सत्यनारायण निवासी राजस्थान व श्याम उर्फ हीरो पिता योगेश निवासी संजय कॉलोनी फरीदाबाद एवं मोहन उर्फ भानेज पिता प्रेम नारायण निवासी काला पीपल का होना बताया गया। उक्त तीनों व्यक्तियों से पूछताछ में बताया कि उनके द्वारा गांजा उड़ीसा से फुलबॉडी जिले से लाना बताया गया। तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। मारुति कार में 21 किलोग्राम गांजा जिसकी कीमत लगभग 1,50,000 रुपए का जब्त किया गया। इस मौके पर नवागत थाना प्रभारी राजेश सिन्हा के नेतृत्व में SI दिनेश नागर, SI धर्मेंद्र परस्ते, आरक्षक देवेंद्र परिहार, आरक्षक विवेक गोस्वामी, आरक्षक वेद प्रकाश परमार, आरक्षक योगेंद्र बन्ना, आरक्षक विक्रम धनवान, आरक्षक विजय धनगर द्वारा कार्यवाही को अंजाम दिया। तस्कर की जो गाड़ी पकड़ी, इसके आगे क्या कार्रवाई होगी? इसमें आगे इनका लिंक निकाल कर उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जाएगी। जो सप्लाई यहाँ पर आसपास के क्षेत्र में इनके द्वारा की जा रही है, उसके संबंध में इनसे पूछताछ की जाकर उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। और सर, जैसे अभी जो इनकी लिंक अगर यहाँ पे है तो उसके बारे में क्या अगला कदम क्या होगा? वही कार्रवाई होगी ना उनपे। अब आगे के लिए प्रोसेस सर, जैसे अभी भी इस प्रकार की धरपकड़ मेरे द्वारा, हमारी टीम द्वारा, काला पीपल पुलिस द्वारा लगातार जारी रहेगी। जितने भी अवैध काम करने वाले लोग हैं, सट्टा हो, जुआ हो, अवैध शराब हो, गांजा हो, इनके विरुद्ध कार्रवाई लगातार जारी।